हम बचपन में थे, सुनते थे। अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश के अंदर तो अलग अलग जनपद के हापुड़ के पापड़, रामपुर के चाकू, अलीगढ़ के ताले, आगरा का पेठा, ये सब उत्तर प्रदेश को एक पहचान दिलाती थी। लेकिन रामपुर का चाकू बड़ा कमाल का था। हस्तशिल्पियों के हाथों में था तो यहां को पहचान दिलाती थी, रोजगार दिलाती थी। सपाइयों के हाथों में पड़ा तो डकैती डालने का काम करने लग गया। गरीबों की जमीनों पर डकैती, दलितों को उजाड़ना, कमजोर लोगों की जमीनों को जबरदस्ती सत्ता के बल पर कब्जा कर लेना, गरीबों के हकों को डकार जाना, और अगर किसी ने आवाज उठाने का प्रयास किया तो झूठे मुकदमों में उसे उठा के बंद कर देना, यही तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी तो रामपुर का यही चाकू भाइयों बहनों गरीबों को उनका हक देने का काम कर रही है। गरीब की जमीन पर कब्जा मुक्त किया गया। 640 हेक्टेयर लैंड, यानी 640 हेक्टेयर का मतलब आप जानते हैं, 640 का मतलब यानी लगभग 1600 एकड़ लैंड को हम लोगों ने भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके या तो उन गरीबों को, उन दलितों को वापस करवाया है या सरकार ने वापस उन माफियाओं से वो जमीन वापस ली है। जब सरकार कार्य कर रही है गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता, गरीब गरीब होता है, किसान किसान होता है, युवा युवा होता है और महिलाएं महिलाएं होती हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। हर युवा का उत्थान होना चाहिए, हर किसान के हितों के लिए कार्य होना चाहिए, हर नारी की सुरक्षा की रक्षा होनी चाहिए, उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए, और यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने रामपुर के चाकू का उपयोग यहां की सुरक्षा के लिए, यहां के सम्मान के लिए, यहां की गरिमा के वृद्धि के लिए किया है। आज भाइयों बहनों रामपुर विकास किस प्रक्रिया के साथ, किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, अब ये किसी से छुपावा नहीं है।